तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी इनिशियलाइजेशन की, यानी एट्रीब्यूट का इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे ये हमारा एट्रीब्यूट है मान लीजिए, ठीक है, अभी तो सेल्फ लगेगा तभी एट्रीब्यूट इसको माना जाए, लेकिन अभी मान लीजिए ये वेरिएबल है तो ये जो है ये एक हिसाब से सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे ही इस मेथड की कॉलिंग बंद होती है, मतलब ये काम इसका ख़त्म होता है, वैसे ही जैसे एक ऑब्जेक्ट ने इसे कॉल किया, उसने इसका इस्तेमाल कर लिया, दूसरे ऑब्जेक्ट ने कॉल किया फिर उसका इस्तेमाल कर लिया, तो ऐसा होगा कि जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक, तो इसे सर्वाइव करने के लिए हमें बार बार इसके मेथड को भी कॉल करना पड़ता है। तो क्यों ना ऐसा मेथड अपनाया जाए जो एक बार में ही सारे एट्रीब्यूट्स को, क्लास के अंदर मौजूद रहने वाले सारे एट्रीब्यूट्स को एक बार में इनिशियलाइज कर दे, और वो इनिशियलाइज करे, और उसको इनिशियलाइज करने वाला जो मेथड है उसे हमें कॉल भी ना करना पड़े। जैसे ही ऑब्जेक्ट बने ऑटोमेटिक वो मेथड एक्टिव हो जाए और वो ऑटोमेटिकली जो है सारे एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज कर डाले। तो इसी टाइप का जो मेथड होता है उसे हम बोलते हैं इनिट। तो इनिट का काम होता है एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज कर देना, और वो इनिशियलाइज कब होता है, जब हमारा जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही ऑटोमेटिकली वो मेथड अपने आप चल जाएगा, ठीक है। तो उस मेथड को हम देखते हैं, तो उस मेथड को बोलते हैं इनिट। तो उसके बारे में और भी उस टाइप के जो मेथड होते हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे, तो पहले हम इनिट को देख लेते हैं, ठीक। तो इनिट को लिखने का तरीका क्या होता है, डबल अंडरस्कोर लिखना पड़ता है और INIT, और ये देखिए लिखा भी है, फिर उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस देते हैं, बिल्कुल जैसे कि नॉर्मल मेथड होते हैं, फंक्शन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही होता है। बस अंतर ये होता है कि डबल अंडरस्कोर हमें शुरू में प्रीफिक्स के रूप में और सफिक्स के रूप में लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर हमें, आपको पता है कि जब यहाँ पे मेथड के अंदर लिखा है तो यहाँ पर भी हमें सेल्फ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें ऑब्जेक्ट की रेफरेंस पास होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हो गया। अब इसके बाद ये जो यहाँ, इसको उठा के हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ये हो गया हमारा, यहाँ पे रख दिया। अब इससे क्या होगा कि ये वैल्यू जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये वैल्यू हमेशा सर्वाइव करेगी, तो अब आपको इसे ज़िंदा रखने के लिए इस मेथड को बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो है भी नहीं है, ठीक। जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं वो ऑब्जेक्ट जो है जैसे ही बनेंगे वैसे ही ये उनके लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। तो आप इसके पहले एक चीज़ भूल गए, इसके पहले सेल्फ लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेल्फ नहीं लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट से अटैच नहीं होगा, इसलिए सेल्फ लिखना ज़रूरी है। सेल्फ लिखने का मतलब है ये ऑब्जेक्ट अब ये जो एट्रीब्यूट है, ठीक, ये जो वेरिएबल था जो एट्रीब्यूट बन गया ये किससे अटैच हो गया, ऑब्जेक्ट से अटैच हो गया। अब इसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं जो पहले हम नहीं कर पा रहे थे। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं तब भी हमें यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा इसका, जबकि पहले यहाँ पे नहीं मिल रहा था, पहले यहाँ पे एक्सेस मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर भी एक्सेस मिल जाएगा। और इसको हम प्रिंट कराते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं m.h, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें 25 मिल जाएगी, 25 मिल गई। देखिए नीचे वाला जो है वो 3 और उसमें एरर बता रहा है, तो इसलिए बता रहा है डिफाइन नहीं है एज, ठीक। तो हम क्या काम करते हैं, इसको यहाँ पर एज डिफाइन नहीं है ये बोलना, तो इसको हम क्या लिख देंगे, अब हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेल्फ लिख देते हैं, सेल्फ डॉट एज। इसके बाद ये हमारी एरर ख़त्म हो जाती है, ये हमारा आ जाएगा 25। तो 25 कैसे आया, ठीक है, मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनते ही ये मेथड अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल होता है और ये अंदर की चीज़ों को एक्टिवेट कर देता है, अवेलेबल करा देता है ऑब्जेक्ट के लिए। एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट जो कि इस क्लास से बनाया जा रहा है, जिसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी ये जैसे ये m नाम का ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर हम जो है यहाँ पर n नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएगा, आपको बस यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा n, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी उपलब्ध हो जाएगा। इसको रन कराते हैं तो आपको यहाँ 25 मिला, फिर उसके बाद ये दोनों जो आपको ये जो मेथड चला था इससे हमारा ये वैल्यू मिला, ये मेथड चल गया और इसके अंदर ये चीज़ उपलब्ध हो गई।
देखिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है इस मेथड के अंदर, ये भी तो मेथड है लेकिन ये मेथड है तो इस मेथड की चीज़ यहाँ पर भी यूज हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो है पूरे ऑब्जेक्ट की हर एक मेंबर के लिए उपलब्ध हो जाता है, एक मेथड के अंदर की चीज़ दूसरे मेथड में हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं। ठीक, तो ये ऐसा मेथड है जो सारी चीज़ों को अवेलेबल करा देता है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए और क्लास के अंदर की चीज़ों के लिए ये चीज़ उपलब्ध हो जाती है। तो ये इस मेथड का यही काम होता है कि इसको अंदर के जितने भी एट्रीब्यूट हैं उसको सभी के लिए उपलब्ध कराना। अब इतना तो हो गया ठीक, लेकिन अभी एक समस्या दूर नहीं हुई। समस्या ये कि अभी भी तो आउटपुट एक जैसा ही आ रहा है, यहाँ पे जितना आउटपुट है पहले वाले ऑब्जेक्ट ने जो आउटपुट दिया ठीक है, इन दोनों ने जो आउटपुट दिया है वो हमारा ये नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरे वाले ने भी यही चीज़, दूसरे वाले ने जो काम किया उससे भी हमारा ये नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इसमें चेंज होना चाहिए। चेंज करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम ये जो इनिट मेथड है जो ये एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करता है, इसलिए हमें क्या काम करना है, इसके अंदर कुछ चीज़ों को लेना पड़ेगा, मतलब वो चीज़ें जो हर एक ऑब्जेक्ट को उसके अनुसार प्रोवाइड कर सके। जैसे कि मान लीजिए हम ये एम नाम का ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक, ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ से हम कुछ नेम और एज दो वेरिएबल पास करना चाहते हैं। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट हटाना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट था इसको हटाना चाहते हैं, तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर पहले रिसीव करने के लिए हम एक दो वेरिएबल बना लेते हैं, दो पैरामीटर, तो एक का नाम लिख देते हैं नेम और एक का नाम लिख देते हैं एज। ठीक, और यहाँ पे जब नाम लिखेंगे, ठीक, तो यहाँ पर जब ये नाम लिखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक, तो एज लिख देते हैं, और ये जो हम वेरिएबल बना रहे हैं यहाँ, ये एट्रीब्यूट जो है इसका नाम चेंज कर देते हैं, रख देते हैं माई अंडरस्कोर एज। ठीक, माई एज हो गया, और इसके पहले यहाँ पे लिख देते हैं एक और एट्रीब्यूट ले लेते हैं, चूँकि दो पैरामीटर है ना, तो दो पैरामीटर, दो तो एट्रीब्यूट लेने ही पड़ेंगे, सेल्फ डॉट और सेल्फ डॉट माई नेम, पहले से भी दिया हुआ है। ठीक, माई नेम तो यहाँ मेथड है, तो यहाँ कर देते हैं माई निक नेम कर देते हैं, निक नेम, ठीक, माई निक नेम हो गया, और ये किसके बराबर कर देते हैं, जो हमारा पैरामीटर से वैल्यू आएगी यानी कि नेम के बराबर। तो ये दोनों चीज़ हो गए। तो ये दोनों क्या है, ये हमारा एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये हमारे एट्रीब्यूट है। ठीक, एट्रीब्यूट को वैल्यू मिली है कहाँ से, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से वैल्यू मिलेगी। अब समस्या आती है कि आखिर यहाँ से सप्लाई कहाँ से किया जाए, मतलब इनको वैल्यू कहाँ से दी जाए। तो जैसे आपने देखा कि जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही ये एक्टिवेट हो जाता है, इसका मतलब है इस मेथड का डायरेक्ट कनेक्शन है ऑब्जेक्ट क्रिएशन से। और जैसे हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट जब बनता है तो इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन और दूसरे का नाम होता है एट्रीब्यूट इनिशियलाइजेशन। ठीक, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं तो यहाँ पर हमें देने पड़ेंगे वैल्यूज, ये वैल्यू जो है यहाँ पर पैरामीटर में जाकर रिसीव होंगे, तो हमें यहाँ पर देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा। तो आपको ये सेल्फ लिखने का तो ज़रूरत नहीं, आपको पहले ही बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब आपको यहाँ से बताया था कि ये ऑटोमेटिक जो ऑब्जेक्ट होता है उसको, यानी उसकी रेफरेंस को सेंड करता है जो पाइथन इंटरप्रेटर है, एक लेक्चर में मैंने ये बताया है। तो आपको ये सेल्फ के लिए तो वैल्यू यहाँ से कोई देने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन इन दोनों के लिए आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पर नेम की वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए हम देते हैं महेश, ठीक, और दूसरी एज है तो एज को दे देते हैं, एज दे देते हैं मान लीजिए 25, थोड़ी अलग रखते हैं मान लीजिए 21 रखते हैं। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अभी इसको थोड़ा सा, इस ऑब्जेक्ट को हम कमेंट कर देते हैं इसकी सारी चीज़ों को, और ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद ये कंप्लीट, इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि इतनी लाइन लिखने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और ये दोनों वैल्यूज जो हैं यहाँ पर जाएंगी, और जाने के बाद क्या होगा, इन ये जो इनिट मेथड है इसके जरिए, इन दोनों के जरिए सारे जो एट्रीब्यूट हैं उसको इनिशियलाइज कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। ठीक,
अब इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो भी अंदर और भी कोड मौजूद होंगे, जो भी मेथड मौजूद होंगे, जहाँ जहाँ पे इनका यूज होगा वहाँ वहाँ पर इसका यूज हो सकेगा जब उन मेथड्स को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कॉल किया जाएगा। जैसे अब देखते हैं, ये माई नेम है, इसे कॉल किया जा रहा है। ये एम डॉट एज क्या है? ये एम डॉट एज जो है, अब तो यहाँ कोई एट्रीब्यूट है नहीं, माई एज है, तो इसको हम क्या काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ये माई एज कर देते हैं, क्योंकि वेरिएबल बदल गया है, एट्रीब्यूट बदल गए हैं, माई एज, एम डॉट माई एज। अब क्या एम डॉट माई एज हो गया, ठीक। तो ये क्या प्रिंट करेगा? इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक। और माई नेम ये तो है, माई नेम जो है यहाँ पर सेल्फ डॉट, हाँ, इस वेरिएबल को भी चेंज करना पड़ेगा, इसको इससे चेंज कर देते हैं, सेल्फ डॉट माई एज, ठीक। और ये महेश जो है, इसकी वैल्यू को आप यहाँ से ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, इसको कॉपी कर ले, क्योंकि अब डायरेक्टली हार्ड वे में लिखने की ज़रूरत नहीं, अब तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू ही लिख सकते हैं, तो इसको हम और इसकी जगह पे कर देते हैं ये, ठीक। अब ये हमारा काम हो जाएगा, यानी कि इसके जगह पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी जो कि हमें ये ऑब्जेक्ट जब क्रिएशन हुआ था जब पास की गई थी वैल्यू। और ये जो एज है सेल्फ डॉट माई एज, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल, ये जो पास किया गया था इस एज में, और ये एज यहाँ पर आया, इसकी वैल्यू इस एट्रीब्यूट में आके स्टोर हो गई, तो ये हम यहाँ से ले सकते हैं। यानी कि अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट सब कुछ आ जाएगा जो यहाँ पर आउटपुट, अब आउटपुट आप देखिएगा तो आपको, पहले मैंने ये प्रिंट किया है, ठीक है, एम डॉट माई एज, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका एट्रीब्यूट क्या है, माई एज, ठीक है, माई एज, यानी कि ये जो एज वैल्यू है यही आपके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, जो कि यहाँ से भेजी गई है 21। पहला आएगा हमारा 21 आएगा यहाँ पर, और दूसरा हमारा माई नेम, यानी कि ऑब्जेक्ट से क्लास के मेथड को कॉल किया गया हो, तो ये वाला हमारा लाइन आ जाएगा पूरा, इस मेथड पे जब कॉल होगी यहाँ से, तो देखिए, ये देखिए 21 आया, ये 21 लाइन हमारी यहाँ से आई, और ये जो नीचे है माई नेम इज महेश एंड माई एज इज 21, वो लाइन हमारी यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। कैसे मिलती है आपको बता दिया कि आपने जब ऑब्जेक्ट बनाया था, तो ऑब्जेक्ट बनाते समय आपने जो वैल्यूज पास किए थे वो जाकर कहाँ पे स्टोर होते हैं, कहाँ पे रिसीव होते हैं, इनिट मेथड में रिसीव होते हैं, ठीक। तो ये महेश जो है इस नेम में रिसीव हुआ, और 21 जो है इस एज में रिसीव हुआ, ठीक। फिर इसको एक एट्रीब्यूट में हम स्टोर कर लिए, ठीक। एट्रीब्यूट किससे अटैच होता है? ऑब्जेक्ट से अटैच होता है, ठीक। सेल्फ का मतलब ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक। तो इस हिसाब से ये काम करता है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इस ऑब्जेक्ट ने अपने हिसाब से आउटपुट निकाल लिया, ये आउटपुट निकाला। अब देखिए हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो अपने हिसाब से आउटपुट निकालेगा, यहाँ पर बनाए हम यहाँ से अपने हिसाब से वैल्यू दे देते हैं, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है ये क्या वैल्यू चाहता है। मान लीजिए हम यहाँ पर देते हैं अनिल, ठीक, और यहाँ पर हम दूसरी वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए 26, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ओरिजिनल नेम जो नया एट्रीब्यूट बनाया है वो दे देते हैं माई एज, ये हो गया, और उसके बाद माई नेम। अब देखिए इसका आउटपुट, इस ऑब्जेक्ट का, ये अपने हिसाब से इस क्लास से आउटपुट निकाल लिया, और ये जो बनाया दूसरा ऑब्जेक्ट इसने अपने हिसाब से आउटपुट निकाल लिया, यही दोनों का वो आएगा, ठीक है। ये देखिए पहले वाले का एक ऑब्जेक्ट का आउटपुट आया, और ये दूसरे वाले का दूसरे ऑब्जेक्ट का आउटपुट आया, यानी क्लास को एक बार बनाया गया, लेकिन ऑब्जेक्ट कई हम बना सकते हैं, ठीक है, और बार बार उस जो क्लास का कोड है उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं, तो ये रीयूज कर सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए शुरू में जो मैंने डिफिनेशन बताए थे कि ऑब्जेक्ट क्यों मतलब बनाया जाता है, तो वो यही चीज़ होती है, जैसे कि हम शुरू में कोड लिखते थे, सिंपल कोड, ठीक है, तो उसको बार बार लिखना पड़ता था, उसको हमने हटाया फंक्शन से, क्योंकि फंक्शन से हम, फंक्शन एक मशीन की तरह, एक बार इसमें इनपुट डाला फिर बार बार उससे आउटपुट निकालते चले जाते हैं, ऐसे ही ऑब्जेक्ट होता है, क्लास होता है, क्लास में एक बार कोड लिखा और ऑब्जेक्ट के जरिए बार बार हम उसको उस ब्लॉक ऑफ कोड से बार बार आउटपुट निकालते चले जाते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं, हमें बार बार कोड लिखना नहीं पड़ता। यानी कि क्लास क्या है? क्लास एक बार लिखा हुआ कोड है जिसको हम ऑब्जेक्ट के जरिए बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं उसके कोड को। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ये इनिट मेथड क्या होता है,
इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे, काफी वीडियो ये लंबा हो गया। ऑडियो जंगल।